है गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनसीन एक्सप्लोर वंडर बदर टू। कैसे आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और मैं अब बहुत अच्छा हूँ। कल तक तो हमारी हालत ख़राब हो रही थी क्योंकि हम दो रातों से सोए नहीं थे, लेकिन अब बिल्कुल परफेक्टली फिट एंड फाइन महसूस कर रहे हैं और फ्रेश फील कर रहे हैं। और पास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देख लिया कि क्या हुआ था हमारे साथ और क्या सिचुएशन, क्या हालात बने थे हमारे साथ, लेकिन हमने हार नहीं मानी है। इससे पहले वाला जो आपने व्लॉग देखा उसमें हमने टेस्टिंग कर ली हमारे किचन सेटअप की, और अब जो है आ जाओ कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। और अब जो है हम जा रहे हैं डलोजी, खजियार, चंबा और सच पास तक को टच करने की हम कोशिश करेंगे। आने वाले व्लॉग में आपको पता लगेगा कि सच पास जो है वो ओपन हुआ या नहीं हुआ। अगर ओपन हो गया तो हम डेफिनेटली सच पास करेंगे यहाँ, जब भी मतलब वहां हम पहुंचेंगे। और अब जो है आज का हमारा जो नाइट स्टे होगा वो हमारी गाड़ी के अंदर होगा, तो बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में। और आपको दिखाता है डलोजी, खजिया और आने वाले ब्लॉग में चंबा सच पास। चाचा लो चलो ना, दग लो फटाफट दग लो। अरे गोदम जी स्मार्ट लग गए तुम तो यार, दग लो स्मार्ट लग रहे, दग लो 12 बज रहे हैं। बड़ा बढ़िया चमका देना, उतनी गंदी होगी जितनी चमकाएगा, ध्यान रखना। ले अपन भी शीशा साफ कर लेते हैं, ड्राइवर गाड़ी अच्छे से साफ करना, ठीक है? हाँ तो गाइस टाइम हो रहा है 1:15 और अब फोटो ले लो इसका। भैया ये भाई लोग तो जा रहे हैं वापस से कोटा जयपुर, मतलब जयपुर जा रहे हैं, जयपुर से कोटा निकलेंगे वापस ये, ठीक है? क्योंकि इनके कोई कांड आ गया, मतलब काम आ गया। मैम तो कह रहे हैं भैया चलो तुम मजे करवाएंगे, सच पास ओपन करवाएंगे तुमसे कह के। फोन करो उठा लियो तुम, ठीक है? चले चलो चलो। कार सेवा हो रही थी यहाँ पे, उन्होंने हमें रोका और ये ठंडाई शरबत जो है दिया है उन्होंने। क्या बोलते हैं सर, क्या बोला था उन्होंने? ठंडाई शरबत ही ना, गर्मी की वजह से। वो ले लो प्याज, टमाटर, नींबू, हरी मिर्च है ना, डाल लेते हैं फ्राई कर लेंगे और हाँ शिमला मिर्च, ठीक है? और लेडी फिंगर बनानी है क्या? भिंडी वगैरह बनानी है? नहीं नहीं बनानी ना, ठीक है बंदा दाल वाल बनाने। वो बोलते हाँ टमाटर ले लो। गाइस देखे सामने का नज़ारा क्या खूबसूरत लग रहा है यार, बस रिवर में हल्का फुल्का पानी कहीं कहीं दिख रहा है, पता नहीं चक्की रिवर है, चक्की रिवर ये नहीं, वो काम चल रहा है, इस वजह से रोका हुआ है पानी। अच्छा रोक रखा है पानी काम। और हम नूरपुर होते हुए जा रहे हैं डलहौजी, क्योंकि हमें पंजाब पुलिस से बच के निकलना है, मतलब पंजाब पुलिस बहुत परेशान करती है यार, बुरा मत मानना लेकिन करती है। आज जो है हम फुल एनर्जेटिक है, क्यों पारेता जी क्या कहना है आपका? फुल एनर्जेटिक, क्योंकि हम जो है अच्छा हम 6-7 घंटे अच्छे से सो लिए हैं, तो अब बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। और आप जो है हम हमारी जो मर्जी पड़ेगी ना वो करेंगे। राइट, अवर फ्यूचर इज ब्राइट, सत्य करना था राइट। आहा देखो सामने का नजारा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अरे वाह यार देखिए पेड़, जिम कॉर्बेट पे जाते ना अपन, उस तरीके का नजारा नजर आ रहा है ये। अरे अच्छा रहेगा, मस्त अच्छा लग रहा है। राउत भाटा की घाटी पे चल रहा, राउत भाटा की घाटी पे चल रहा हूँ, सामने और राउत भाटा का पहाड़ हो गया है। नीचे चंबल बेरी है, ये भी सही है बेटा, बिल्कुल सेम लग रहा है, सेम बिल्कुल डिटो वही लग रहा है, चंबल बेरी है और राउत भाटा रोड पे चल रहा है। नूरपुर तक जो है काफी अच्छा रोड है, शुरुआत का ही वो कंस्ट्रक्शन चल रहा था यहाँ पे, जो एक दो पुलियाएं बन रही थी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है हमें अभी तक, मतलब उस सेक्शन को भी हमने आज बहुत जल्दी पार कर लिया। उसके बाद तो ये नजारे आप देख ही सकते हैं यार, सब कुछ हरा भरा लग रहा है, आउटसाइड टेम्परेचर जो है वो 36 डिग्री शो कर रहा है, और ओवरऑल जो है ना अब वाइब्स आ रही है हिमालयन, हाँ हिमालयन वाली वाइब आ रही है कि हम जो है हिमाचल के पहाड़ों पे ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि जिगजैग आ रहा है बीच बीच में, कभी टर्न ट्विस्ट सब हो रहा है। और स्कोर पे तो आप जानते ही हो जबरदस्त परफॉर्म करती है, मैं थोड़ा सा इसको केयरफुली ड्राइव कर रहा हूँ क्योंकि पीछे मेरे काफी चीजें रखी हुई हैं, तो वो इधर की उधर ना हो, तो थोड़ा सा मैं केयरफुली हूँ। अदरवाइज स्पीति जब मैं गया था ना, स्पीति में तो आप भी जानते हो मैंने 80-90-100 तक ड्राइव किया था, पता आपको, अगर नहीं पता है तो मेरी स्पीति वैली सीरीज आप जाके देखें, मैंने उसमें बहुत फन किया था, स्नो भी दिखाई थी रोहतांग की, रोहतांग टॉप की फ्रेश स्नो बिल्कुल। दिख रहा है क्या? पता है क्या? मेरा तो नहीं दिख रहा। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, मतलब पर्पल कलर के, क्या जबरदस्त, वहां लगाता हूँ ना साइड में, यहाँ लगा देता हूँ।
52 किलोमीटर या 53 किलोमीटर और बचा है डलोजी यहाँ से, सॉरी 51 किलोमीटर और बचा हुआ है, हो जा फोकस, 51 किलोमीटर और बचा हुआ है। रोड बहुत बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल टर्मेक रोड है, शानदार रोड है, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही मतलब ड्राइव करने में। क्या खूबसूरत लग रहा है यार नजारा, मतलब पता नहीं कैमरे में आपको कितना अच्छा लग रहा हो या नहीं लग रहा हो, लेकिन जब हम हमारी आंखों से देख रहे हैं ना इसको, लिटरली है ना, मतलब बहुत बेहतरीन शेप के माउंटेन्स और उस पर थोड़ा सा फॉग, सन लाइट पड़ी इस साइड से और बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब आंखों को सुकून मिल रहा है इस नजारे को देख के, तो सोचा मैं रिकॉर्ड करके आपको भी दिखा दूं। चक्की रिवर में हमें पानी का फ्लो मिला है, वो चक्की रिवर ही होगी शायद ही, मुझे नहीं पता, या चिनाब भी हो सकती है जो चंबा से निकलती है, अब चिनाब सही नाम है या गलत नाम है मुझे नहीं पता है ये कौन सी रिवर है, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। और अच्छा खूबसूरत नज़ारा है सामने देखें आप, उधर भी बेहतरीन, अभी जैसे व्हीकल आ गया है तो अब हम बढ़ लेते हैं आगे। रोड बिल्कुल बेहतरीन मिला है अभी तक तो, बिल्कुल काला टर्मेक रोड था, देखो आप पीछे ये आप सामने देखो, चकाचक रोड है मतलब, और ट्रैफिक इक्के दुक्के व्हीकल मिल रहे हैं और दो तीन टूरिस्ट व्हीकल मिले थे अभी, इसके अलावा लोकल गाड़ियां ही हैं बस, ठीक है। और ये जो है सीधा डलोजी जा रहा है रोड वाया नूरपुर। टेबलेट दे दूं? नहीं नहीं टेबलेट नहीं चाहिए है, वो हमें टाइप सा फील हो रहा हो तो मैं टेबलेट दे दूं, टाइप सा फील हो रहा है इसलिए मैंने ग्लूकोन डी निकाला। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, वेदर में चेंजेस आ गए एकदम से, हवा चल रही है और बारिश का मौसम बन रहा है, ओवरऑल आप खुद देखें बारिश का मौसम बन रहा है और हरियाणा के टूरिस्ट सामने जा रहे हैं, खूबसूरत नज़ारा है, हरा भरा नज़ारा है, टर्मेक रोड है, मज़ा आ रहा है, मतलब ओवरऑल बस हमारे जेडी भाई की तबीयत थोड़ी सी खराब हुई थी, लेकिन यहाँ जेडी भाई कैसे हो? फाइन चलो वेरी गुड। 99% रोड बिल्कुल हमें अभी तक तो बढ़िया ही मिले हैं, पर सबसे बड़ी बात जो है वो है कि इस रोड पर ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि जनरली जो डलोजी जाने का जो रोड होता है वो वाया पठानकोट उधर वाला जो पंजाब वाला एरिया है ना वहाँ से जाती है सब जितने भी टूरिस्ट होते हैं, तो हमने अलग वे लिया था नूरपुर होते हुए, ये नूरपुर रोड है और ये नूरपुर से अब डलोजी जा रहे हैं अपन, एक नंबर वेदर रोड है भाई यार। पुराने जो डलोजी का रोड है ना जो पठानकोट से आता है उस रोड पर टर्न कर लिया है हमने, राइट ले लिया मतलब हमने, और जो नूरपुर वाला जो रोड था उसको हमने छोड़ दिया है, उधर से जब हम आ रहे थे तो लेफ्ट साइड पे तो पठानकोट जा रहा था रोड और राइट साइड पे हमने डलोजी चंबा जा रहा है। आउटसाइड टेम्परेचर जो है 27 डिग्री हो रखा है और ये देखें आप सामने के नज़ारे कुछ इस तरीके के हैं, और मैं आपको बता दूं और यार कितने खूबसूरत वाइट वाइट फ्लावर थे यार, वो अलग तरीके का लग रहा है यार। और बनी खेत है, बनी खेत पड़ा था ना मैंने सर, बनी खेत आने वाला है 5 किलोमीटर बाद, और वहां से 8 किलोमीटर पे अपनी, सॉरी टोटल 8 किलोमीटर और चलना है हमें डलोजी के लिए। खैर पहाड़ सब एक जैसे ही होते हैं लेकिन अलग अलग तरीके का वेजिटेशन मिल जाता है, मतलब अलग अलग वेदर में, जैसे ये पाइन वुड का कलर देखो अब आप किस तरीके का हो रहा है, सुनहरे कलर का हो रहा है, सूखने वाले हैं शायद ये। क्या रेट है अंकल डीजल? 87 फुल कर देना अभी, आ रहा है ना ऊपर ऊपर तक कर दो लबालब, कितना सुकून और शांति है यार, और सामने से पानी बहने की आवाज़ आ रही है, हल्का फुल्का पानी बह रहा है भैया। डलोजी में अपने कहीं ऐसे रिवर साइड फंड हो सकता है क्या, रिवर साइड पे कहीं गाड़ी लगा के चल जाए है क्या कहीं वहाँ डलोजी में? थोड़ी है डलोजी में, खजियार में, खजियार में पर गाड़ी नहीं जाती, खजियार में गाड़ी सड़क में सड़क पे खड़ी रहती है। और एक वो वाटरफॉल जो है वो कहाँ पे, पंच पुला ऐसा कुछ करके ना वाटरफॉल, पंचपुला जीपी वाली साइड है, नहीं नहीं अजय ही है ना डलोजी में। यार क्या नाम है आपका? अविरन है, अविरन अविरन जी, वेरी गुड, चैनल है ना, भैया बताओ, बिल्कुल अनसीन एक्सप्लोरर 1002, अनसीन एक्सप्लोरर 1002, हमें जो है हमारे नए सब्सक्राइबर मिले बहुत सारे, छोटे छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, क्यूट से बच्चे, अनसीन एक्सप्लोरर 1002 मेरे से बड़ा यूट्यूबर है भाई ये, क्या नाम है आपका? तो ऐसे शर्मा हो गए यार 1.8 के सब्सक्राइबर ले गए, फेस रिवील नहीं करना, अरे वेरी गुड यार, फेस रिवील हो जाएगा भाई बाद में, जो है इसके जो है छोटी छोटी बच्चियां पीछे पड़ेगी। हो गया होगा कर दो 32.18। गाइस बनी खेत में आप लोगों का स्वागत है,
और काफ़ी सारी गाड़ियाँ लगी हुई थी। ओवरऑल जो है हमें जिस होटल में हमने लास्ट नाइट स्टे किया था उन्होंने सही कहा था कि रश मिलेगा आपको। होटल पाइनवुड अच्छा है यार, बनीखेत भी अच्छा साफ सुथरा है, नीट एंड क्लीन यार, है ना? बहुत ही साफ सुथरा एकदम नीट एंड क्लीन। और है टेम्परेचर मतलब ठंड है, लोगों ने जो है जैकेट्स और पुलोवर वगैरह डाल रखे हैं। आप खुद देखो कितना खूबसूरत लग रहा है यार, बेहतरीन बाबा, शानदार हो रही है जगह। देखो आप खुद देखो आंखों से देखो, अरे वाओ यार वाओ वाओ वाओ, है ना? देखो डांस ये अब अपन डलोजी के लिए जा रहे हैं। बनीखेत छोड़ दिया अपन ने एक तरीके से, और छावनी डलोजी जो है वहां जा रहे हैं। डलोजी छावनी है आर्मी की मतलब है, कैंट एरिया है डलोजी। कैंट एरिया में तो फिर यार अपने को पता नहीं कैंपिंग में, चलो देखते हैं जो भी होगा पता लगेगा आप लोगों को। गाइस हम डलोजी पहुंच चुके हैं, मतलब ये डलोजी स्टार्ट हो चुका है और हम थोड़ी देर में यहाँ घूम फिर के, और हमने ये डिसाइड किया है कि रात तो अपन खजियार को ही रुकेंगे, मतलब खजियार जाएंगे यहाँ से सोने के। अरे यार ये भी है, फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है भैया, अपन करो तो काला टॉप हो गया जी सर। और उसके साथ ही काला टॉप है, लक्कर मंडी है। लक्कर मंडी, हाँ जी ठीक है, ये उसी रूट पे, उसी रूट में, और उससे आगे थोड़ा जाएंगे तो डैंड को खजियार आएगा सर। खजियार इसी रूट पे है, खजियार भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो गाइस देखा आपने, काला टॉप जरूर है जहाँ पे हम जाके कैंपिंग कर सकते हैं, खजियार भी इसी रोड पे मिल जाएगा, काला टॉप भी हो गया, और एक लक्कड़ कुंड कुछ बताया था आपने, सुनी लिया मेरे को याद नहीं रहा। तो हम डलोजी तो पहुंच चुके हैं, तो इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैंने जो रूट बताया बहुत अच्छा रूट था, ये बिना ट्रैफिक का रूट था, रोड भी अच्छा था, इस रूट से आप डलोजी आ सकते हो। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।